राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षाओं के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम अर्जुन। हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत में अनेक कथाएं हैं और इन कथाओं में अनेक पात्र हैं। उनमें से एक है अर्जुन, पांच पांडव भाइयों में से एक। अर्जुन अपने अन्य भाइयों के साथ आचार्य द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखते थे। राजमहल के आराम से दूर सभी राजकुमारों को आश्रम में हर प्रकार के काम करने होते थे, जैसे गाय चराना, पेड़ों को पानी देना, हवन पूजा के लिए लकड़ी लाना और स्नान व पीने के लिए पानी भरना। अर्जुन में शस्त्र विद्या सीखने की इतनी रुचि और लगन थी कि वो अपना काम शीघ्र ही समाप्त करके गुरु द्रोणाचार्य के पास आ जाते। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सब की लक्ष्य बीनने की परीक्षा लेना चाहता हूं। देखो, मैंने एक मिट्टी की सफेद चिड़िया सामने उस पेड़ पर रख दी है। उस चिड़िया की आंखों के स्थान पर रत्न लगे हैं। तुम सभी को उसकी आंख का निशाना लगाना है। हाँ, सबसे पहले तुम आओ कुमार दुर्योधन। जी गुरुजी। वत्स, सामने पेड़ पर उस चिड़िया को देख रहे हो ना? केवल चिड़िया ही नहीं गुरुजी, मैं तो पेड़ भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। ओह, तब तो दुर्योधन तुम निशाना नहीं लगा सकते। जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ। द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी राजकुमारों को बुलाया और पूछा कि वे क्या देख रहे हैं। सभी ने यही उत्तर दिया कि वे पेड़, आकाश, बादल और अपने भाइयों को देख रहे हैं। जब अर्जुन की बारी आई तो गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी पूछा, पुत्र अर्जुन। जी गुरुदेव। तुम क्या क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया ही दिखाई दे रही है। क्या, केवल चिड़िया ही देख रहे हो? हाँ गुरुदेव, अब तो केवल चिड़िया का सिर, नहीं नहीं, केवल आंखें ही दिख रही हैं। गुरुजी, अब तो केवल एक ही आंख दिख रही है। तो वत्स, बींद डालो उसे। जो आज्ञा गुरुदेव। देखो देखो, चिड़िया गिर गई। वाह, अर्जुन ने इसकी आग बीन दी। अति सुंदर, अति सुंदर। लक्ष्य को पाने के लिए केवल लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम परीक्षा में सफल हुए, आयुष्मान भव। अर्जुन की इस सफलता के पीछे था निशाना लगाने का निरंतर अभ्यास। बचपन से ही अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखने की जो निष्ठा और एकाग्रता दिखाई, उससे ये निश्चित हो गया था कि धनुर्विद्या में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। महाभारत में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनसे अर्जुन की वीरता का पता चलता है। ऐसी ही एक कथा है राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर की। राजा द्रुपद ने अपनी कन्या राजकुमारी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया और सभी राजाओं को आमंत्रित किया। स्वयंवर की सूचना मिलने पर अर्जुन भी अपने भाइयों सहित स्वयंवर स्थल पर पहुंचे। दूर दूर से अनेक वीर राजा भी वहां आए हुए थे। उद्घोषक ने
राजा द्रुपद का संदेश सुनाया। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक अनोखी शर्त रखी है, जो इस शर्त को पूरा करेगा उसी के साथ राजकुमारी द्रौपदी का विवाह होगा। आप सब इस भवन की छत से लटकी हुई मछली देख रहे हैं, यह मछली स्थिर नहीं है, घूम रही है। इस मछली की आंख पर आपको निशाना लगाना है, किंतु मछली को देखकर नहीं, बल्कि नीचे रखे पानी के बर्तन में इसकी परछाई देखकर। अनेक राजा आगे आए लेकिन मछली पर निशाना नहीं लगा सके। अंत में अर्जुन ही पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर लटकी मछली पर निशाना लगा सके और शर्त के अनुसार राजकुमारी द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। इसके बाद पांडवों ने हस्तिनापुर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ नाम का एक नया राज्य बसाया और कुछ वर्ष वहां पर राज्य किया, किंतु कौरवों के कुचक्र के कारण पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा। ये बैर इतना बढ़ गया कि अंततः कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा हो गई। दोनों पक्ष ज्यादा से ज्यादा राजाओं को अपनी ओर से लड़ने के लिए बुलाने लगे। पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की ओर से दुर्योधन द्वारिका के राजा श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुंचे। श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे, दुर्योधन उनके सिरहाने और अर्जुन श्रद्धा भाव से उनके पैरों की ओर बैठ गए। जब कृष्ण जागे तो उन्होंने पहले अर्जुन को ही देखा और बोले, अर्जुन तुम कहो कैसे आना हुआ? मित्र, आप तो जानते ही हैं कि युद्ध की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। मैं आपसे निवेदन कर श्री कृष्ण, मैं भी यहां उपस्थित हूं। मैं अर्जुन से पहले यहां आया हूं, इसलिए अपनी बात कहने का अधिकार पहले मेरा है। ओ दुर्योधन, तुम भी यहां हो, बोलो तुम क्या चाहते हो? एक ओर मैं स्वयं हूं और दूसरी ओर मेरी सारी सेना। बोलो किसे लेना चाहते हो, मुझे या मेरी सेना को? श्री कृष्ण, मैं अपनी शक्ति और सैन्य बल बढ़ाना चाहता हूं, मुझे तो आपकी सेना ही चाहिए। और अर्जुन तुम क्या चाहते हो? केशव, मेरे मित्र, मैं तो केवल आपको ही मांगने आया था, मेरे लिए आपकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। अति उत्तम, अति उत्तम। निर्णय कितनी सरलता से हो गया। दुर्योधन, मेरी सारी सेना तुम्हारी ओर से लड़ेगी, और अर्जुन, मैंने तो युद्ध में हथियार न उठाने का प्रण किया है, फिर भी तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे आपका साथ ही चाहिए मित्र। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बनकर युद्ध के मैदान में तुम्हारा रथ चलाऊंगा। प्रभु, मैं कृतज्ञ हुआ। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने।
अर्जुन जानते थे कि श्री कृष्ण जिस पक्ष के साथ होंगे जीत उसी पक्ष की होगी, परंतु युद्ध क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में खड़ा देखकर अर्जुन बहुत उदास हुए। शत्रु पक्ष में मेरे सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, जिनसे मैंने सदा प्यार और दुलार पाया है। गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य भी खड़े हैं, जिनसे मैंने शास्त्र विद्या और ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे चचेरे भाई, उनके पुत्र, ये सब मेरे प्रियजन और सगे संबंधी हैं। क्या मैं इन सब से ही युद्ध करने आया हूं? क्या मेरी इन्हीं पर विजय प्राप्त करने की कामना है? नहीं, 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 इन सबको मारकर मैं राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता। यह युद्ध उचित नहीं है। नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। केशव, मुझे वापस ले चलो, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के रथ के सारथी ही नहीं थे, वे जानते थे कि अर्जुन के मन की लगाम भी उन्हें ही थामनी है। इस समय अर्जुन के मन के मोह ने उसे कर्तव्य विमुख कर दिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। हे अर्जुन, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। अपने सगे संबंधियों के मोह से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य को न छोड़ो। तुम अपने प्रियजनों से नहीं, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध लड़ रहे हो। बिना किसी फल के लालच के अपना कर्म करना ही मनुष्य के लिए उचित है, यही तुम्हारा धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, कायरता का भाव छोड़कर जय पराजय की कामना किए बिना अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करने का कर्तव्य पूरा करो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की सभी शंकाएं दूर की। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने पूरे कौशल से युद्ध किया और युद्ध में विजयी हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान का प्रकाश दिया वो श्रीमद् भगवद् गीता नामक महान ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। अर्जुन, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, प्रभु दयाल खट्टर, गुलशन कपूर, अभय भार्गव, दिनेश वर्मा, प्रवीण शर्मा और मनीष दत्त। आलेख अर्चना प्रभाकर, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी और रमेश चंद्र मनचंदा, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।